हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, जो इंसिडेंट होके एक मिरर पे इंसिडेंट होके फिर वापस रिफ्लेक्ट हो, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो मीडियम की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो मीडियम कंसिडर करते हैं। सपोज ये है एयर एंड दिस वन बी वाटर, और यहाँ पे एक बाउंड्री है जो कि है इंटरफेस, वाटर और एयर का इंटरफेस। अभी अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से, दैट मीन्स ऑब्लिकली, यहाँ पे इंसिडेंट कराने की कोशिश करूँ, तो ये हो गया नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए था, बिकॉज वी नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर ये स्ट्रेट जाना चाहिए था, पर यहाँ पे स्ट्रेट नहीं जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ बैंड होके इस तरह से जाते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे बैंड क्यों होते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी हम लोग को मिलेगा, पर ये जो बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो बैंड होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाते एक रे ऑफ लाइट, तब इसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन पता करते हैं कि ये बैंड क्यों होते हैं। सपोज ये एयर है और ये वाटर है, और यहाँ पे हम लोग को एक रे ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली लाइट एक बंडल में आते हैं, बंडल, बीम ऑफ लाइट मीन्स इस पर बहुत सारा रे ऑफ लाइट होता है। दैट मीन्स अगर हम एक बंडल ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से पकड़े, ये पूरा एक बंडल ऑफ लाइट है, और या फिर बीम ऑफ लाइट हम लोग बोल सकते हैं, और इस बीम में बहुत सारा रेज है, रेज, नंबर्स ऑफ रेज, बहुत सारा रेज है। ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन हम लोग को ये समझा रहा है कि ये तीनों एक ही साथ एक ही स्पीड में, अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे तीन रे है, तो तीनों एक ही साथ यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब एक ही स्पीड से। ठीक है, तो ये आते आते यहाँ पे भी सेम स्पीड रहेगा, एंड लास्ट पॉइंट तक यहाँ पे भी सेम स्पीड रहेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, तब सिंगल रे, दैट मीन्स एक ही रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद यहाँ पे ये वाला रे यहाँ पे होगा, कुछ समय और बाद यहाँ पे ये वाला आएगा, और सबसे लास्ट में यहाँ पे इंसिडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एट ए टाइम एक ही रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, मतलब एट ए टाइम यहाँ पे सिंगल रे इंसिडेंट हो रहा है ये बाउंड्री पे। ठीक है, जिसके कारण इसका ये वाला रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाना चाहिए था, पर ये क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से बैंड होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह से बैंड होगा। तब ये बैंडिंग क्यों होता है। एक्चुअली लाइट का स्पीड एयर में अप्रोक्सीमेटली 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड रहता है। ठीक है, और वाटर में क्या होता है, ये जो स्पीड हो जाता है 2.5 अप्रोक्सीमेटली × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 2 के आसपास कुछ वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिक्रीज कर गया, वेलोसिटी डिक्रीजेस, और जब ये वेलोसिटी चेंज होता है, बाद में देखेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज होने पर क्या होता है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होता है तभी यहाँ पे बेंडिंग होगा। ओके, और ये वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एयर से वाटर तक जा रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे स्पीड डिक्रीज करने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ, दैट मीन्स टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हो रहा है। ठीक है,
हम लोग सपोज कुछ इस तरह से लेते हैं, सपोज यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एयर है। अब रिवर्स हम लोग ले लेते हैं, वाटर से हम लोग इस तरह से प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे है नॉर्मल, ओके इसका जाना चाहिए था स्ट्रेट, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड यहाँ पे जो था और यहाँ पे स्पीड बढ़ गया, एयर पे तो स्पीड ज़्यादा होता है तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर गया, स्पीड इंक्रीजेस, तो एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस तरह से जाएगा, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब स्पीड इंक्रीज करेगा तब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी इसी स्पीड का जो आइडिया है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें मिलते हैं, स्पीड का आइडिया। यहां पे स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ ये है कि साइन यहाँ पे जो एंगल बनता है, सपोज आई और यहाँ पे एंगल आर, तो साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग म्यू पकड़ेंगे। म्यू का नाम क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक एंगल के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं आई एंगल आर एंगल इन दोनों के साथ हम लोग एक रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक रिलेशन आएगा कि म्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई वी, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैकम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना है, स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा 3 × 10⁸, और वी अगर हम लोग वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वाटर में आ जाएगा 2.5, तो इसका एक रेशियो आएगा जो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है। और यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो 1.33 कुछ इस तरह से आ जाएगा वैल्यू। तो अल्टीमेटली हमें रीज़न पता चल गया कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्यों होता है। मेन रीज़न इज दैट स्पीड चेंजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। अगर हम लोग कुछ इस तरह से पकड़ लेते हैं, सपोज ये जो रे ऑफ लाइट है एयर से वाटर पास हो रहा है बट इट इंसिडेंट नॉर्मली, कुछ इस तरह से बंडल ऑफ लाइट या फिर रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस तरह से पास हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साथ यहाँ पे सभी पॉइंट एक साथ यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच यहाँ पे स्पीड डिक्रीज करेगा बट लाइट जो है विदाउट बेंडिंग यहाँ पे जाएगा, स्पीड यहाँ पे ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे कोई बेंडिंग शो नहीं होगा। क्यों बेंडिंग शो नहीं होगा, क्योंकि एक ही साथ सभी पॉइंट, अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा रे ऑफ लाइट है, सभी रे ऑफ लाइट एक साथ यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसके कारण सभी एक ही साथ जा रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रेट पास हो रहे हैं, क्लियर है अभी। तो यहाँ पे रीज़न हम लोगों को पता चल गया कि ये क्या है। इसी से हम लोग एक मीडियम के बारे में पता करेंगे जो कि है रेयरर मीडियम और एक है डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर मीडियम को हम लोग कैसे पहचानेंगे, रेयरर मीडियम वो है कंपैरेटिवली दो मीडियम में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम, दैट मीन्स वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, दैट इज नोन एज रेयरर मीडियम कंपैरेटिवली। और डेंसर मीडियम क्या होगा, वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जहां पे लेस होगा उसे हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो अगर हम लोग एयर और वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एयर हो गया रेयरर मीडियम और वाटर हो गया डेंसर मीडियम। हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं
ग्लास, सपोज यहाँ पे ग्लास है एंड वाटर है, ओके ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना आता है? ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आता है 1.5 और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आता है 1.33। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसे हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे डेंसर मीडियम को हम लोग कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, वेयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज हाई, ओके और यहाँ पे वेयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज लेस उसे हम डेंस रेयरर मीडियम बोलेंगे, जहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट अगर इस तरह से पास हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? डेंसर टू रेयरर पास हो रहा है। अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर पास होता है, इसको जाना चाहिए था कुछ स्ट्रेट, अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर पास होता है तब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो उसी का वैल्यू अगर हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? म्यू, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ग्लास टू वाटर जा रहा है, दैट मीन्स ग्लास टू वाटर, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे म्यू, जहाँ पे जा रहा है म्यू वाटर डिवाइड बाई जहाँ से जा रहा है म्यू ग्लास, इसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर हम लोग दो मीडियम के बीच कंपेयर करें और उसमें से एक मीडियम एयर और वैक्यूम निकला तो हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है 3×10⁸ एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ मीडियम में जो वैक्यूम में है एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग दो मीडियम के बीच ग्लास वाटर या फिर ग्लास डायमंड या फिर ग्लास केरोसिन वाटर केरोसिन कुछ दो मीडियम के बीच हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। म्यू जी वाटर मीन्स ग्लास से वाटर में जा रहा है, ग्लास वाटर हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे और ये म्यू का एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास, दैट मीन्स वाटर में जा रहा है वाटर डिवाइडेड बाय ग्लास।